तो हेलो हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन अकेडमी अभी अकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि यूपीएसआई 2021 के लिए फॉर्म्स फिल हो चुके हैं और बस इंतज़ार है अब डेट आने का एग्ज़ाम की। ठीक है, तो यदि हम अनुमान लगाएं तो हम ये मान सकते हैं कि भाई कम से भी कम हमें अभी 2 महीने का समय लगेगा एग्ज़ाम की डेट, मतलब एग्ज़ाम्स को होने के लिए। डेट तो कभी भी आ सकती है, आज में, कल में, परसों में, कभी भी डेट पता चल सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा हम मान कर चल सकते हैं कि भी अभी हमारे पास लगभग 2 महीने हैं। ठीक है, तो 2 महीने यानी कि हम 90 डेज़ लेकर चलते हैं कि भाई 90 डेज़ हैं हमारे पास लास्ट ये एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो इस 90 डेज़ में हमें एक काम करना है, अब अपने एग्ज़ाम के लिए जो हमारे भारतीय संविधान की मूल विधि का पोर्शन है उसके लिए रोज़ कम से कम 10 क्वेश्चंस लेकर चलने हैं जो एक्सपेक्टेड हैं या प्रीवियस एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं या ऐसे हैं कि भाई 2021 के एग्ज़ाम में देखने को आराम से मिलने ही वाले हैं, या उनके जैसे कुछ जुड़वा जो उनके हमशक्ल भाई हैं ना वो मिल जाएंगे। तो इन क्वेश्चंस को यदि आप पढ़ लोगे जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, तो आपका 2021 का जो एग्ज़ाम होने वाला है इसमें मूल विधि का पार्ट आराम से, बड़े ही आसानी से, खुशी खुशी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो 90 डेज़ है हमारे पास और मैंने कहा है कि कम से भी कम 10 क्वेश्चंस लेकर चलने हैं। 10 में मैं आपको 12 या 15 के आसपास बता दूंगा, तो लगभग हमारे पास जो है 1080 या 1100 क्वेश्चंस हो जाएंगे एग्ज़ाम आने तक। तो उन क्वेश्चंस में से आराम से ही हमारे पास भाई एग्ज़ाम में मूल विधि का पोर्शन बड़े ही अच्छे से हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं कुछ एमसीक्यूज़ हैं जो हमारे पास रोज़ आपको ये अभी अकेडमी पर मिलने वाले हैं। तो आज के जो क्वेश्चंस हैं इनको शुरू कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? ऑप्शंस हैं इटली के संविधान से, कनाडा के संविधान से, फ्रांस के संविधान से या यूएसए के संविधान से। दोस्तों, आपको पता होगा इसका जो सही जवाब है, क्या है इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर डी यानी कि यूएसए के संविधान से इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स, देख लें नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्न में से किस देश से संबंधित है? संघात्मक व्यवस्था की बात कर रहा है। ऑप्शंस हैं कनाडा के संविधान से, यूके के संविधान से, यूएसए के संविधान से या आयरलैंड के संविधान से। तो जल्दी से देखिए इसका क्या आंसर है, मेरे बताने से पहले ही आपको आंसर मिल गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो सही जवाब है, सही आंसर है, वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि कनाडा के संविधान से। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पूछ रहा है भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्न में से किस देश से ली गई है? न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना की बात कर रहा है, तो यूके के संविधान से या यूएसए के संविधान से या यूएसएसआर के संविधान से या ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो इसका जो सही ऑप्शन है, सही जवाब है, वो आपने पहले ही लगा दिया होगा। अब मैं बता देता हूँ कि इसका सही जवाब क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि यूएसए के संविधान से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के संविधान से न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना को लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और दोस्तों ये जो क्वेश्चंस हैं बड़े ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए, तो चाहे तो आप इनको जो है लिख सकते हैं, चाहे क्या, मेरे हिसाब से यदि आप इनको लिख लेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि अब तो आप इनको पढ़ ही रहे हैं, इसके अलावा बाद में भी आप इनको आराम से रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम 1100 के आसपास क्वेश्चन करेंगे, तो इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे, एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरे ख्याल से आपको जो है इन क्वेश्चंस को लिख लेना चाहिए, और यदि लिख नहीं पाएंगे, आपको लगता है कि हम नहीं लिखेंगे, तो इनकी जो हैंड रिटन क्वेश्चंस हैं ये मेरे पास, उसकी पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक या दो पे एक ही पेज होगा, 10 क्वेश्चंस हैं तो इसलिए एक ही पेज पर ये आया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि भाई भारतीय राजनीति व्यवस्था में निम्न में से क्या सर्वोच्च है?
तो राजनीति व्यवस्था में क्या चीज़ जो ऑप्शंस हैं इनमें से क्या सबसे ऊपर आता है? सर्वोच्च न्यायालय है, भारतीय संविधान है, संसद है या धर्म है? तो भाई इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि संविधान। यदि राजनीति व्यवस्था की बात करी जाए तो भाई सबसे पहले उनके विचार में जो आता है वो संविधान ही आता है। संविधान के नीचे रहकर ही वो सभी काम करते हैं राजनीति व्यवस्था बनाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, भारत में समवर्ती सूची की संकल्पना कहाँ से ली गई? समवर्ती सूची की बात कर रहा है तो यूएसए के संविधान से, स्विट्जरलैंड के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से या यूएसएसआर के संविधान से? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से इसका सही जवाब हो जाएगा। समवर्ती सूची की जो संकल्पना ली गई है भारतीय संविधान में वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स, इसमें पूछ रहा है भारत के संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? राज्य के नीति निदेशक तत्व जो हैं जिनके माध्यम से राज्य अपनी नीति बनाता है और शासन का संचालन करता है, तो कहाँ से लिए गए हैं वो? फ्रांस के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, जापान के संविधान से या यूएसएसआर के संविधान से? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, हाँ जी बिल्कुल सही बताया है आपने, आपने सोच लिया होगा ना पहले ही कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि आयरलैंड के संविधान से। आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, ठीक है ना, मूल विधि आपने पढ़ी है, उसी में से क्वेश्चंस हैं और इन्हीं क्वेश्चंस में से इनके जो कुछ हमशक्ल भाई हैं ना वो आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिल जाएंगे और बड़े ही खुशी के साथ आप इनको लगाने वाले हैं पेपर में। क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ चलते हैं, भारत के संविधान में मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? भाई मूल अधिकार की बात कर रहा है तो मूल अधिकार जो हैं यूके के संविधान से लिए गए हैं या यूएसए के संविधान से या आयरलैंड के संविधान से या जर्मनी के संविधान से? तो बताइए जल्दी से कि मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं। तो मैं बता देता हूँ, आपने इसका सही जवाब लगा दिया होगा, अब मैं कंफर्म करा देता हूँ, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि यूएसए के संविधान से। ठीक है फ्रेंड्स, तो संविधान में, भारतीय संविधान में मूल अधिकार जो लिए गए हैं वो यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट, आपात उपबंध भारत के संविधान में कहाँ से लिया गया है? इमरजेंसी वाला जो पार्ट है, आपात का जो उपबंध है वो भारत के संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो यूके है, यूएसए है, आयरलैंड है या जर्मनी है? तो भाई इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी यानी कि यूएसए के संविधान से। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नाइन है, शासन की संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? शासन की संसदीय प्रणाली, ऑप्शन है यूके, यूएसए, आयरलैंड या कनाडा? तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि यूके के संविधान से। शासन की संसदीय प्रणाली यूके के संविधान से ली गई है भारतीय संविधान में। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, केंद्र राज्य संबंध भारत के संविधान में कहाँ से लिया गया है? केंद्र और राज्य का जो संबंध स्थापित करता है वो भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है अमेरिका के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, कनाडा के संविधान से या ब्रिटिश संविधान से? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि कनाडा के संविधान से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो थे टॉप वो क्वेश्चंस जो हमें पढ़ने चाहिए, टॉप 10 क्वेश्चंस हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार के और भी क्वेश्चंस को हम प्रतिदिन अपनी इस अकेडमी अभी अकेडमी पर सॉल्व करने आएंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके अलावा अभी तो सिर्फ मैंने ये एमसीक्यूज बताए हैं, इसके अलावा अब आपको जो क्वेश्चंस के पीछे का टॉपिक है या ये कहें कि कॉन्सेप्ट है उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनके अलावा जो है अब दो क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, वैसे तो ये 10 क्वेश्चंस भी आप ही के लिए थे और आपने जो है मुझसे पहले इनका जवाब लगाया भी होगा, लेकिन दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका जवाब मैं आपको नहीं बताऊंगा,
या तो कल वाली वीडियो में बताऊंगा या फिर आपको कमेंट बॉक्स में, या फिर क्या, कमेंट बॉक्स में तो आपको बताना ही है। ठीक है फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसका जो कन्फर्म है वो मैं कल वाली वीडियो में करा दूंगा, कल वाली क्लास में करा दूंगा कि इनका सही जवाब क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, और मुझे पक्का पता है कि आप इन दोनों क्वेश्चंस का बिल्कुल सही जवाब देंगे ही देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि आप काफ़ी समय से इनको पढ़ रहे हैं और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन है, एक, मंत्रिमंडल का आकार भारत के संविधान में कहाँ से लिया गया है? मंत्रिमंडल के आकार की बात कर रहा है, तो ब्रिटिश के संविधान से लिया गया है, कनाडा के संविधान से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, या USSR के संविधान से लिया गया है? इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। सेकंड क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? तो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, ब्रिटिश के संविधान से लिए गए हैं, जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से लिए गए हैं, रूस के संविधान से लिए गए हैं, या फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है फ्रेंड्स, जवाब ज़रूर दीजिएगा ताकि पता चले कि हाँ भाई, सभी ने वीडियो को अच्छे से देखा है और सभी अच्छे से पढ़ भी रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा जो आपको इसका कन्फर्म आंसर है वो कल मिल जाएगा, और कल आपको नेक्स्ट वीडियो भी हमारी मिल जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और इसके अलावा दोस्तों, जो हिंदी का पोर्शन है ना हमारा, हिंदी साहित्य का या हिंदी व्याकरण का, वो भी आपको, उसकी भी क्लास इसी प्रकार से मिल जाएंगी, और उसमें हम लगभग 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और इसके अलावा क्वेश्चंस सॉल्व करने के अलावा जो हमारा उसमें व्याकरण का कुछ टॉपिक्स हैं उनको भी हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ताकि आपका हिंदी का भी पार्ट बिल्कुल भी ना छूटे। और UPSI 2021 हंसते हंसते खेलते खेलते निकल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ मैं अभिषेक कुमार लेता हूँ आपसे विदा। और हाँ, एक चीज़ और बता दूँ कि भाई दोस्तों, जल्दी से, वैसे ये बात तो कहनी नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं आपको याद दिला देता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास सही लगी हो, क्वेश्चंस आपको पसंद आए हों, तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और कमेंट्स में तो आपको इनका आंसर बताना ही है। इसके अलावा आपका जो भी फीडबैक है हमारे लिए वो भी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी के साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, जिसका आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इन क्वेश्चंस की जो हैंड रिटन PDF है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं कल वाली वीडियो में, अगली क्लास में। तब तक के लिए विश यू हैप्पी एग्जाम्स एंड बाय बाय।